वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको बाइल साल्ट एंड यूरिन के बारे में मालूमात देना चाहूँगा। सैंपल तो ऑब्वियसली यूरिन हम लेंगे और इसके बाद इसकी इंडिकेशन जो है वो लीवर डिजीज़ में, जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की पॉसिबिलिटी हो उसके लिए बाइल साल्ट एडवाइस किया जाता है। प्रिकॉशन ये है कि पोस्ट परेंडियल जो है खाने के बाद वाला सैंपल हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि खाने से बाइल साल्ट जो बाइल एसिड की सिक्रीशन स्टिमुलेट होती है। पैथोफिजियोलॉजी ये बेसिकली जो है लीवर में जो बाइल बनता है 700 to 1200 ml बाइल एसिड पर डे, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और बाइल जो है वो एल्कलाइन है, बिटर, इसका कड़वा टेस्ट होता है, येलो स्क्रीन। और बाइल साल्ट के अंदर क्या होते हैं? कंजुगेटेड बाइल एसिड, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। और प्राइमरी बाइल एसिड के बनने के लिए हम ग्लाइसिन और टायरिन लिंक करते हैं बाइल एसिड के साथ। और मैं आपको इस डायग्राम में क्लियर करना चाहूँगा। एक्सक्यूज मी, कोलेस्ट्रॉल प्राइमरी बाइल एसिड बनाता है। प्राइमरी बाइल एसिड में आते हैं टारोकोलिक एसिड, टारोकिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोजिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। इनकी कंजुगेशन में हो जाती है ग्लाइसिन और टायरिन के साथ। अब ये कंजुगेटेड जो बाइल एसिड होते हैं ये चले जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पर बैक्टीरिया फ्लोरा दोबारा इनके साथ कंजुगेशन करके तो सेकेंडरी बाइल एसिड बना देते हैं। तो प्राइमरी बाइल एसिड बेसिकली लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और सेकेंडरी बाइल एसिड इंटेस्टाइन के अंदर। सेकेंडरी बाइल एसिड पे लीवर के अंदर जाके वहाँ पे दोबारा इनकी कंजुगेशन हो जाती है ग्लाइसिन और टारिन के साथ मिल के ये जो है ना बाइल एसिड का पार्ट बन के एज ए बाइल स्क्रीट हो जाती है। अब डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें कि बाइल साल्ट होते क्या हैं। बाइल साल्ट बेसिकली बाइल एसिड कंजुगेटेड, जो कि कंजुगेट करता है टायरिन ग्लाइसिन के साथ इन द लीवर, और सोडियम और पोटाशियम कंजुगेट्स जो होते हैं इसके साल्ट होते हैं। उसके बाद कि जो बाइल साल्ट है इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है मल्सिफिकेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। और उसके बाद ये लीवर से बाइल साल्ट आते हैं, बाइल के नाली कुल्ले के जरिए जाते हैं इंटेस्टाइन में, वहाँ अब्जॉर्ब होके दोबारा लीवर के अंदर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो तो उसकी वजह से उसको हम कहते हैं कोलिस्टेटिक जॉन्डिस, तो कोलिस्टेटिक इचिंग मरीज को शुरू हो जाती है। और ये जो इचिंग होती है ये बिकॉज ऑफ रिटेंशन, ये जो बाइल साल्ट रिटेंशन हो गया बॉडी के अंदर उसकी वजह से है। तो जो कोलेस्टेटिक इंजन आप देख सकते हैं प्राइमरी ब्लिस्टरोसिस में, प्राइमरी स्क्लेरोटिक कोलेंजाइटिस में, इंट्रापेड कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, हेरिडिटरी कोलेस्टेटिक सिंड्रोम में। नॉर्मली बाइल साल्ट यूरिन के अंदर नेगेटिव होंगे। अब हम बाइल साल्ट को क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, इसकी मकदार भी मालूम कर सकते हैं बाई स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, क्रोमेटोग्राफी, रेडियो अमीनो एसिड। और बाइल साल्ट जो होते हैं ये सरफेस टेंशन रिड्यूस करते हैं, उस बेसिस पे हे टेस्ट डिस्क्राइब किया गया है। हे टेस्ट में हम क्या करते हैं, यूरिन लेके उसके अंदर हम सल्फर ग्रैनुल आराम से ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें या गिरा दें, मतलब ज़्यादा फोर्स से ना गिरें। अगर तो बाइल साल्ट नेगेटिव है तो ये वहीं पे ऊपर ही फ्लोट करते रहेंगे सल्फर ग्रैनुल। अगर बाइल साल्ट पॉजिटिव है तो सल्फर ग्रैनुल नीचे बॉटम में चले जाएंगे। तो पॉजिटिव बाइल साल्ट टेस्ट आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में नज़र आएगा और लीवर डिजीजेज विद अपीयरेंस ऑफ जॉन्डिस और डिजीज में भी नज़र आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। एंड आपको मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट labpedia.net। आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच।